जय हिंद दोस्तों, अगर आप इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप अपने आप को सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए। क्या आप सैलरी देख करके इंडियन आर्मी ज्वाइन कर रहे हैं कि लाख डेढ़ लाख रुपए सैलरी मिल जाएगा, साथ में फैसिलिटीज मिल जाएंगी, या फिर आप इंडियन आर्मी से कुछ और चाहते हैं? तो देखिए, जब कभी भी आदमी जॉब करता है तो वो दो तरह से करता है, या तो वो काम उसे बहुत पसंद है या फिर उस काम से मिलने वाले पैसे उसे बहुत पसंद है। तो अगर आप मनी माइंडेड है और इंडियन आर्मी ज्वाइन कर रहे हैं सरकारी नौकरी और पैसों के लिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप दूसरा कोई रास्ता चूज कर लीजिए। क्योंकि अगर आपके अंदर इंडियन आर्मी ऑफिसर बनने की काबिलियत है तो आई एम श्योर आप जिंदगी में इंडियन आर्मी ऑफिसर से बहुत ज्यादा पैसा कमा पाएंगे। इंडियन आर्मी के ऑफिसर वही बन सकता है जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी, करेज और वो ताकत होगा कि वो एक आर्मी ऑफिसर बन सकता है। तो इन्हीं सब क्वालिटीज का इस्तेमाल करके आप दूसरे किसी लाइन पर बड़े लीडर बन सकते हैं और बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। इंडियन आर्मी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो 70,000-1.5-2 लाख रुपए आपको सैलरी मिलेगा मैक्सिमम। लेकिन अगर आप उसी क्वालिटीज को किसी दूसरे लाइन में इस्तेमाल करते हैं तो मैं आपको कह सकता हूं आप इससे 10 गुना 15 गुना ज्यादा पैसा भी हर महीने कमा सकते हैं। मनी माइंडेड अगर आप हैं तो मैं आपको बता दूं, आर्मी की लाइफ कंफर्टेबल नहीं होता है और एक फिक्स पैसा आपको मिलता है। अगर आप मनी माइंडेड हैं तो दूसरे किसी जॉब, मान लीजिए कोई आईएएस ऑफिसर है जो इंडियन आर्मी के ऑफिसर से ज्यादा पैसा कमा रहा है, या तो जो सैलरी है वो ज्यादा है या फिर वो टेबल के नीचे से घूस बहुत ज्यादा लेता है, तो उसकी कमाई को देख करके आपका दिल बैठ जाएगा कि क्या यार, मैंने ये छोड़ करके वो कर लेता तो शायद ज्यादा पैसा कमा लेते। तो अगर आप मनी माइंडेड है तो कभी भी आप इंडियन आर्मी की लाइफ से खुश नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर बहुत पैसा नहीं मिलता है। दूसरी बात, ये जॉब बिल्कुल भी कंफर्टेबल जॉब नहीं है। जो पैसा आप कमा रहे हैं उस पैसों के लिए आपको अपनी फैमिली को भी छोड़ना पड़ेगा, अपने बीवी बच्चे को भी छोड़ने पड़ेंगे, माता पिता से दूर रहना पड़ेगा। 3 साल के लिए कहीं पर पोस्टिंग होती है, उसके बाद दूसरे किसी जगह पर दूसरे किसी एनवायरमेंट में जाना पड़ेगा, तो वहां अगर आप मैच नहीं कर पाते हैं तो पूरी जिंदगी आप एक ट्रैप में फंस के रह जाएंगे। आप नौकरी भी नहीं छोड़ सकते, पूरी तरीके से आपका जिंदगी खत्म हो जाएगा, आप एक ट्रैप में फंस जाएंगे, आप पैसे भी नहीं कमा पाएंगे। कहने का मतलब यह है कि अपने कैपेबिलिटीज का पूरा इस्तेमाल सिर्फ पैसे कमाने के लिए मिलिट्री में आप नहीं कर सकते। मिलिट्री में अपने कैपेबिलिटीज का इस्तेमाल आपको करना होगा वॉर फील्ड में या फिर ऑपरेशनल टाइम में या फिर मिलिट्री कामों के अंदर। लेकिन अगर आपके दिल में वो जज्बा और जुनून और यूनिफॉर्म के ऊपर रेस्पेक्ट है तो आप बिल्कुल इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। अपनी जिंदगी में कुछ ऐसी चीज होती है जो आपको सिर्फ इंडियन आर्मी में मिल सकता है, उसमें से एक चीज है गन फायर करना। अपने जी मर्जी से आप आतंकवादियों के ऊपर फायर कर सकते हैं, आतंकवादियों को मार सकते हैं। इंडियन लॉ के हिसाब से अगर आप किसी को मारते हैं तो आपके ऊपर कोर्ट कार्रवाई करेगा, आपको सजा तक हो सकता है। लेकिन अगर आप इस देश के दुश्मनों को मारना चाहते हैं तब आपको आर्मी ज्वाइन करना पड़ेगा, और दुश्मन के ऊपर फायर खोल के उसे मारने की मजा ही कुछ और होता है। दूसरी चीज, इंडियन आर्मी में काम करते हुए आप ऐसे ऐसे जगह पर पोस्टेड होंगे जिस जगह पर इंसान कभी नहीं जा सकता। सियाचिन ग्लेशियर में इंसान कभी नहीं जा सकता ठंड के मौसम में। कश्मीर और लद्दाख के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर जो बर्फ, जो सिनेरियो आप देखेंगे, एक आम इंसान वो सिनेरियो जिंदगी में कभी नहीं देख पाएगा, क्योंकि वहां पर आम आदमियों के लिए जिंदा रहना भी बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जो ट्रेनिंग आपको दिया जाएगा वो ट्रेनिंग आपको इस दुनिया में कहीं पर भी नहीं मिलेगा, चाहे आप किसी भी जगह पर चले जाइए, मिलिट्री की ट्रेनिंग आपको कहीं पर नहीं देखने को मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि आर्मी लाइफ में जो चीज आप एक्सपीरियंस करेंगे वो चीज आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। जब आप आर्मी में जाते हो तब आपको दर्द, डर, एंग्जायटी सबको फेस करना होगा। उन सबको फेस करना अपने आप में ही बहुत ही थ्रिलिंग मूवमेंट होता है। जब आप हाथ में गन लेकर के किसी आतंकवादी के घाटी की ओर जाते हैं तो उस वक्त पर जो थ्रिल आप एंजॉय करेंगे वो किसी भी जगह पर आपको नहीं मिलने वाला है। तो अगर आप इस तरह के माइंडसेट के है कि आपको चलाना है गन, आपको जाना है आतंकवादियों के घाटी की ओर, ठोकना है, वॉर लड़ना है, तब जाकर के मुझे लगता है कि अगर आप आर्मी ज्वाइन करते हैं तो आप जो लाइफ जियोगे, जो जॉब सेटिस्फेक्शन लाइफ के अंदर जो सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा वो अलग ही लेवल का होगा। आप फैमिली के बारे में, आप अपने पर्सनल लाइफ के बारे में, आप अपने प्रॉब्लम्स के बारे में, आप अपने मनी के बारे में सब कुछ भूल जाएंगे सिर्फ मिलिट्री के लिए। लेकिन ये कैसे पता करें कि हम मनी के लिए आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर हमारा दिल एक्चुअली आर्मी के साथ में है? देखिए, अपने आप से एक सवाल पूछिए कि अगर मुझे इससे बेहतर पैसों वाला, इससे बेहतर फैसिलिटीज वाला और इससे बेहतर पावरफुल जॉब अगर मिल जाए तो क्या मैं आर्मी ज्वाइन ना करके वो जॉब ज्वाइन करना चाहता हूँ? अगर मान लीजिए उसका आंसर है यस कि आर्मी से बेहतर जॉब अगर मुझे मिल जाता है तो मैं उसमें स्विच कर जाऊंगा, तो आप बिल्कुल आर्मी ज्वाइन मत कीजिए, आप दूसरे किसी लाइन पर जाइए, वहां पर आप ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। लेकिन अगर आपका जवाब है कि आर्मी से कितना भी बेहतरीन जॉब मुझे मिल जाए, मुझे तो आर्मी में ही जाना है, तब जाकर के मुझे लगता है कि आप आर्मी के लिए सूटेबल हो। इसीलिए कहा जाता है सभी जॉब आपको पैसा, मनी, नाम, फेम सब कुछ दे सकता है, लेकिन आर्मी आपको लाइफस्टाइल दे सकता है। ये वो लाइफस्टाइल है जो आपको कहीं नहीं मिलने वाला। जय हिंद, वंदे मातरम।